डॉक्टर में जाकर आप ये कहो कि भाई गर्मी के मौसम में मुझे पसीना नहीं आता, तो डॉक्टर कहेगा आपकी बीमारी है। तो पसीना आना तो अच्छा है, पसीने से बहुत सारी बीमारियां निकल जाती है, तो फायदे की चीज है पसीना आना। लेकिन बहुत सारी जगह बीच में खाली पड़ी है, समझ जाओ लोग माशाल्लाह बैठे हुए, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم بزرگوں دوستو، دین کی یہ محنت اور اس کے نسبت سے یہ اجتماع، یہ ساری محنتیں ہماری سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی محنت ہے۔ जैसे दुनिया में खाना पीना कमाना कपड़ा रोटी मकान इसकी आदमी जरूरत समझता है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर आदमी मेहनत में जुड़ा हुआ है। हर आदमी कोई खाना कमाने में और कोई खाना हासिल करने में मेहनत नहीं करता, बल्कि हर आदमी ये समझता है कि खाने की जरूरत, कपड़े की जरूरत, रोटी की जरूरत, इन तमाम जरूरतों को पूरा करने का जो दुनियावी सबब है वो पैसा है। तो हर आदमी किसी न किसी नाम से, किसी न किसी तरीके से पैसों को हासिल करने की फिक्र में लगा हुआ है। फिर माहौल जब बनता है किसी बात का मेरे दोस्तों, तो माहौल इंसान को बात समझाता है आसानी के साथ। उल्टा माहौल बना तो उल्टी बात आदमी आसानी से समझ जाएगा। गलत बात का माहौल बना तो गलत बात है लेकिन आदमी आसानी से समझ जाएगा। और अगर सही बात का माहौल नहीं है तो सही बात भी आदमी को समझनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छी बात का माहौल नहीं है तो अच्छी बात भी आदमी को बुरी महसूस होगी। इंसानों की यह मेहनत का दुनिया में असर है। दुनिया पर मेहनत करते करते मेरे दोस्तों, दुनिया का हर मेहनत करने वाला आदमी अगर उसे पूछा जाए, वो जिस दुनिया पर तू मेहनत कर रहा है, क्या तेरे पास इसकी गारंटी है कि इस दुनिया से तू फायदा उठा सकेगा, तो हर एक ये कहेगा मौलवी साहब ये तो मुकद्दर की बात है, मुकद्दर में होगा तो फायदा उठाएंगे वरना नहीं उठा पाएंगे। ये 10-20 साल मेहनत करके मकान बनाया बड़ा खूबसूरत, किस लिए कि आराम से रहेंगे, लेकिन मकान का अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ और आदमी का इंतकाल हो गया। लंबा चौड़ा बंगला बनाया साउथ के एक आदमी ने, दुबई में काम बड़ा कारोबार था उसका, साउथ इंडिया वहां का रहने वाला था केरला का, उसने बहुत बड़ा बंगला बनाया अपना, और वो आने वाला था, उससे पहले उसका इंतकाल हो गया। तो उसका जनाजा आया ताबूत में बंद होकर, गांव में पहुंचा तो लोगों ने कहा इसको गुसल कहां देंगे, क्या उसका बंगला बहुत बड़ा है और उसमें बड़े बड़े बाथरूम है, आदमी लेट कर नहावे ऐसे, बूढ़ा हो गया तो आदमी थक गया तो बैठकर नहा नहीं सकता, तो जैसे जानवर तालाब में पड़ा रहता है ये टप में पड़ा रहता है, जानवर की मुशावरत अख्तियार की, तो तालाब में तो पड़े रहे अच्छा दिखेगा नहीं, घर में ही ऐसा कुछ बना तो उसमें पड़े रहे। तो कहा कि इसको उसके बाथरूम में गुसल दे दे, तो उसकी बीवी ने मना कर दिया कि मेरे बंगले का उद्घाटन मैयत से नहीं होगा। बनाया किसने? जिसने बनाया
उसकी मैयत को भी उसमें गुस्ल देने की इजाजत नहीं है कि उसके नसीब में नहीं अपने बंगले से फायदा उठा। लेकिन एक माहौल है मेरे दोस्तों, जिस माहौल में कोई किसी को कहे कि मुनासिब नहीं है तो उसे नादान समझता है और उसमें भी बेतहाशा इंसान चला जा रहा है, और जिसके पीछे इंसान अपना सब कुछ लगाता है, अल्लाह फरमाते हैं तो धोखे का सामान है, धोखे का सामान है और बहुत थोड़ा सामान है जिसको इंसान बहुत कुछ समझता है। लेकिन जिस अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है और जिस दुनिया को बनाया है, वो अल्लाह यूं कहते हैं कि ये धोखे का सामान है, ये ओरिजिनल नहीं है, कि इसकी खुशी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि खुशी के पीछे गम छुपा हुआ है, इसकी इज्जत भी ओरिजिनल नहीं है। आज इज्जत कल जल के हवाले है, आज जिसको लोग सलाई मार देकर उसको कोई पूछता ही नहीं है, सैकड़ों वाकया दुनिया में है। इसकी इज्जत, इसकी जिल्लत, ये सब धोखा है कि जिस बुनियाद पर इज्जत और जिल्लत आदमी समझता है वो बुनियाद ही धोखा है। इसलिए हत्या शानू ने मेरे दोस्तों दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इंसानों को सही मेहनत करना सिखाए और इंसान को यह समझाए कि दुनिया धोखा है और दुनिया की जरूरतें भी धोखा है, और जो कुछ इंसान अपनी अकल से समझता है वो सब धोखा है। इसलिए कि अपनी अकल से इंसान हकीकत को समझे, इतनी अकल अल्लाह ने इंसान को दी ही नहीं है, इसलिए उसकी रहबरी के नबियों को भेजा अल्लाह ने। दुनिया में खाना कमाना तो ये समझ सकता है कि उसके सामने की चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे का असली जिंदगी है जो मरने के बाद शुरू होगी, कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बताए बगैर ये अपनी अकल से नहीं समझ सकता है। उलमा ने लिखा है कि नमाज जिसको आज हम और आप पढ़ते हैं, इस नमाज को अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम पर फर्ज किया और नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर नमाज आमली तौर पर समझाई। पहली मर्तबा आपने हर नमाज के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई, कि फजर का अव्वल वक्त यहां शुरू होता है उस वक्त पढ़ाई, जोहर के अव्वल वक्त में पढ़ाई, असर के अव्वल वक्त में पढ़ाई, और दूसरी मर्तबा उस नमाज के आखिरी वक्त में पढ़ाई। ये इतना दरमियान का वक्त है इस नमाज के लिए, कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आमली तौर पर बतलाया और नबी अलैहिस्सलाम को आमली तौर पर नमाज पढ़ते हुए साहबा ने देखा, साहबा को तबे ताबीन ने देखा, तबे ताबीन के बाद वालों ने देखा, यहां तक के ये हम तक पहुंची, तो हम आसानी से नमाज पढ़ लेते हैं, वरना किताब देखकर दो रकात आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। कि दीन तो प्रैक्टिकल और अमली तौर पर सीखने की चीज है, लेकिन माहौल नहीं मेरे दोस्तों, तो आदमी हर चीज सीखने को समझता है कि ये चीज सीखने की है। अरे मोहन साहब रामतुल्ला आले बहुत पुराने साथियों में थे, हौज पर बैठे हुए पान खाते थे और पान खाकर हौज के नाले में थूका था, पूरी नाली लाल कर दी थी। जिसको पान खाना नहीं आता उसको थूकना भी नहीं आता, हाँ जिसको पान खाने की प्रैक्टिस है ना वही थूकेगा तो ठीक है, वरना जो नया कोई पान खाएगा थूकेगा तो अपने कपड़े पर पांव भर देगा, पूरे लाल कर देगा। नया आदमी बीड़ी नहीं पी सकता, पिएगा तो बजाय नाक के कान से धुआं निकलेगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे जिसने कभी जिंदगी में पेप्सी कोका नहीं पिया उसको पिलाओ वो नहीं पी सकेगा, और पीने के बाद अगर डकार खाई तो पूरा हड़बड़ा जाएगा एकदम, आंखों में से पानी और नाक में से पानी निकल आएगा। जिसको दुनिया आसानी से पीती है, ये मामूली मामूली चीजें जिसको रोज इंसान करता है उसको कि बगैर सीखे आदमी कायदे से नहीं कर सकता। तो मोड़ा बैठ कर पान नारी पूरी डालकर रखी थी, किसी ने देखा कर मौसम क्या करते हो, कहने के पान खाना सीखता हूं, और तुम समझते हो कि ईमान सीखने की जरूरत इतनी बड़ी चीज, पान खाना सीखना पड़ता है। ये सारी मेहनत मेरे दोस्तों इसकी है कि हम ईमान को सीखने की चीज समझकर इस ईमान को सीखे कि इस ईमान पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का वादा किया है, कि इसके बगैर तो ये दुनिया से भी इंसान फायदा नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। जो कुछ उठा रहा है ये धोखा है मेरे दोस्तों। कि अल्लाह ने कह दिया मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका,
कि जो हमारे हुक्म से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमने जिंदगी गुजारने का जो रास्ता बतलाया वो कैसा है? सबीला, जैसे हाईवे का बड़ा रास्ता होता है ना कि अंधा भी उस पर चल ले, ऐसा रास्ता है एकदम खुला हुआ और बहुत रोशन। लैलुहा का नहारेहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तरीका मैं लेकर आया हूं वो इतना आसान इतना खुला हुआ है कि उस तरीके में कहीं रात नहीं आती है, रात भी दिन से दिन की तरह उजाली है, इतना बड़ा रास्ता है कि वो रास्ता जिस अल्लाह ने जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिया है, अल्लाह ने भी ये भी कह दिया ये रास्ता आसान भी है, ये रास्ता आसान भी है, इस रास्ते पर जो चलेगा दुनिया न होने के बावजूद अल्लाह उसे इज्जत देंगे, इज्जत के असबाब के बगैर अल्लाह इज्जत देंगे, असबाब के बगैर अल्लाह फरमाते हम उनका काम बनाएंगे, जिल्लत के असबाब में अल्लाह इज्जत देंगे और नाकामी के असबाब में खुदा कब्र में डाल देंगे। और इस रास्ते से आदमी हटा दो इज्जत के असबाबों में जिल्लत आएगी, कामयाबी के सारे असबाब और नाकामी आएगी, कामयाबी के सारे असबाब और नाकामी आएगी। फिर इस लंबी चौड़ी सड़क पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 1,25,000 सहाबा के काफिले को चलाया, मालदार भी है गरीब भी है, मालदार इतने हैं कि करोड़पति कहला जाए करोड़पति, और आज से करोड़पति तो नकली करोड़पति है, ये कागज का ढेर है, इसकी कीमत क्या या कुछ भी नहीं, जिसने छापा उसको जाकर कहो कि वापस लो कुछ दो तो बोले फाड़ दो फेंक दो, जब 1,000 की नोटें बंद हुई ना तो जो नोटें पड़ी थी हमारे एक साथी के पास उसने वाइट करवा दी अपने कारोबार में, तो इनकम टैक्स वाले ऑफिसर आए कुछ चेक करने के लिए उसका हिसाब, तो उसने पूछा कि साहब अगर कोई ना पास बची हो तो शू करवा, तो कहता है दस्तरखान बिछाए ने खावा खावा लेना अरे एनसी भी वारे कभी अंत है तो खोना मोजे ने एनी बीड़ी बनाए पीवाड़ी बना पब्लिक मोड़े तो मार कर दो साहब, जो इज्जत के लिए जमा किए थे वो अगर खुले आम लेकर गए तो लोग आना कहेंगे बेवकूफ आदमी 1,000 की नोट लेके जा रहा है 5,000 की लेके जा रहा है, वो तो ओरिजिनल माल वाले थे कि सोना चांदी के सिक्के हैं जिसको शरीयत ने समन कहा है माल कहा है। वो ओरिजिनल माल वाले थे और इतने थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा था तुम इस रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे जिस रास्ते पर ये मेरे सहाबा चल रहे हैं, तुम इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे, तुम क्यों ईमान कबूल नहीं कर रहे। हज़रत अली ने सोचा कि ये अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले हैं, ये रोज मारे जा रहे हैं, पूरे कपड़े इनके पास पहनने के लिए नहीं है, इनके पास तो फाके हैं, इनके साथ रहकर क्या मिलेगा, उनके अंदर का ही सवाल था। उसने साहब ने कहा कुछ नहीं, बहाना किया, हुजूर मेरे पास एक दीन है इसलिए मैं, आपने फरमाया मुझे मालूम है, और तेरे दीन में तो कौम के बड़े को कौम की ज़कात खाने की इजाजत नहीं है, तू क्यों खाता है, उसे पटा गए। तो हुजूर आपको मेरे दीन से ज्यादा मेरे से ज्यादा मेरा दीन आपको मालूम है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उती तो इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन का और आखिरीन का अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, जैसा आगे देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा ही पीछे भी देखते थे, आपका मुंह मशरिक की तरफ है तो मशरिक की चीज जैसा आपको नजर आ रही है मगरिब की चीज भी आप देख रहे हैं, ऐसे नबी सल्लम दिए हैं। तो कहा मेरे पास मेरा दीन है इसलिए मैं आपकी बात नहीं कबूल कर रहा हूं, आपने फरमाया नहीं नहीं अभी ऐसी बात नहीं है, बात जो है इनके जहन के सवाल को पढ़ा हुजूर ने,
तो आपने कहा आदि किसरा को जानते हो, किसरा को? तो समझने लगी इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी हुकूमत और उसकी बात तो हुजूर नहीं करते होंगे, तो किसी और किसरा के बारे में करते। तो कहने लगे अब किसरा इतने हुरमुज या रसूलुल्लाह, किसरा इतने हुरमुज की आप बात? हाँ हाँ उसकी बात करता हूं, जानते हो उसको? कहा इसकी बेटियां जो है ना वो इनके घरों में बांधिया बनकर खिदमत करेगी। क्या समझता है? जो दिन अल्लाह ने अपने नबी को लेकर भेजा वो दिन मामूली दिन है, फिर जो दिन इतने बड़े नबी को दिया गया हो कि जमीन और आसमान में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मखलूक आपसे अफजल नहीं, जिस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने किया जाए, वो ईमान वालों अपने नबी की आवाज से ऊंची आवाज में नहीं बोलना, वरना जिंदगी भर के सारा सब खत्म हो जाएगा। कि जिस नबी के सामने ऊंची आवाज से बोलना जिंदगी भर के लिए क्या खत्म कर दे। उस नबी ने सलात वसलाम को दीन दिया गया और अधूरा दिया गया कि सब नमाज रोजा हज जकात तो ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर कर लो, लेकिन कमाना खाना पीना शादी रोना करना ये तो अपने को समझ में आओ ऐसा। तो गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा दीन लेकर अल्लाह ने भेजा? अल्लाह तो फरमाते हैं हमने कामिल दीन दिया और तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हमने ये दीन, और सबसे बड़ी नियामत हमारे यहां दीन है जो हमने तुमको कामिल दे दी। ऐसे नबी हमने दिए हैं जो नबी अलैहिस्सलाम को दीन दिया गया, इससे पहले किसी को इतना बड़ा दीन नहीं दिया गया और इससे पहले किसी को इतना इल्म नहीं दिया गया जितना इल्म जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। आपका दायरे जमा नबूवत, जमाने नबूवत, दायरे नबूवत सबसे बड़ा, आप सारी दुनिया के नबी, कयामत तक के नबी, इंसानों के नबी, जिन्नातों के नबी, सबसे कामिल दिन आपको दिया गया। तो कोई लोग पूछे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रास्ते में कैसे चलना चाहिए, तो हम बताएं कैसे चलना चाहिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिस तरह चलेंगे हमको भी चलना चाहिए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम नहीं चलते थे, आपकी चाल कैसी थी ये भी बता देंगे। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा उससे ये पूछा जाए कि उसके अब्बा की चाल कैसी थी, वो चलते कैसे थे, बैठते कैसे थे, उसकी रात कैसी थी, दिन कैसा था, कोई नहीं बतला पाएगा। और हमारे नबी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक एक पहलू अल्लाह ने महफूज कर रखा है। क्यों? तो अल्लाह ने कह दिया हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, और इसे एक नमूने को समझने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,25,000 नमूने अपने बनाए। अगर मुझे समझना है तो मेरे सहाबा को समझना, और अगर इनके बारे में तुम्हारे दिल में कोई मेल आया तो तुम नबी को नहीं समझ पाओगे, और नबी अलैहिस्सलाम को नहीं समझ पाओगे तो कुरान को समझ नहीं पाओगे, और कुरान को समझ नहीं पाओगे तो जन्नत तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारे एक साथी से सवाल किया एक आदमी ने कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग आए, उन बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है, डायरियां लिखी है अपनी, तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम भी इतने बड़े आदमी, उन्होंने भी कोई किताब लिखी है? कहने लगा हाँ किताबें लिखी है, और हमारे नबी तो तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे। तो दुनिया वालों से डायरी लिखी उन्होंने, उन्होंने बोलती हुई किताबें लिखी, 313 किताबें लेके बदर में आए थे, और 10,000 लेके फतेह मक्का में आए थे, और 1,25,000 लेके हजरतुल वदा में आए थे। ये नबी की किताब है, बोलती किताब है, हमारे नबी साहब बोलती किताब है लिखी। कि किसी को ये देखना हो कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ौद कैसा था तो क्या उसका नमूना मिलेगा इसमें, किसी को ये देखना हो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तकवे का नमूना क्या था, 1,25,000 में नमूना मिलेगा इसका। माल आया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी उसका नमूना मिलेगा, बातें आए तो अल्लाह के नबी साहब जिंदगी कैसी गुजारी ये नमूना मिलेगा। कामिल मुकम्मल दीन देकर भैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐसा कामिल मुकम्मल दीन
कि उस पर दुनिया भी इंसान की बनेगी और आखिर भी बनेगी। अगर कोई ये समझता है कि सब इस दिन से आखिर तो बन जाएगी लेकिन दुनिया में तो ऐसे ही करना होगा जैसे हम करते हैं, तो ये जहालत है, नासमझी की बात है कि आदमी ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी समझी ही नहीं है। अल्लाह ने जहां इस दिन पर कामयाबी को कहा है मुतलक कहा है, ये नहीं कहा दुनिया में कामयाब हो जाओगे सिर्फ आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सब ईमान की मेहनत करेंगे और अल्लाह का यकीन हासिल करेंगे, उसके लिए जान और माल लगाएंगे तो क्या मिलेगा। जैसे आज का हर ईमान वाला जिसको जिसको समझ में नहीं आता उसके दिमाग का एक सवाल होता है, हमारे साहब क्या होगा बिस्तर घूम लेकर आप घूम रहे हैं, क्यों अल्लाह के रास्ते में निकलना है, क्या मैं घर पर रहकर नमाज पढ़ता हूं, तस्बीह पढ़ता हूं, कुरान शरीफ पढ़ता हूं, अल्लाह ने माल दिया कार्य शेयर करता हूं, क्या ये काफी नहीं है। नमूना इनका है कि इन्होंने ऐसा किया, वो जो इतना बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं कि एक मर्तबा मदीने में एक शोर हुआ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने पूछा क्या हुआ भाई, बांदी से कहा देखो देखो मदीने में कोई मसला पैदा हो गया, कोई फसाद हो गया, क्या हो गया इतना सारा शोर। बांदी ने आकर कहा कि अम्मी जान वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बिजनेसमैन है, उनके मिस्र की तिजारत से माल आया है तो इतने ऊंटों पर आया है कि ऊंट खड़े करने मुश्किल हो रहे हैं, जगह नहीं है मदीने में, उसका शोर है सब इतना सारा बड़ा काफला आया है। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा, आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। हजरत रहमान के पास कृपा चल गई, दौड़े दौड़े आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सच कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के एक दिन बैठकर मकाम बतलाए कि मेरे सहाबी की जन्नत कैसी है और मेरे सहाबी की जन्नत कैसी है और इसकी जन्नत कैसी है, कहा सब तो मेरे पास आ गए लेकिन अब्दुल रहमान बहुत देर में आए, इतने देर से आए कि मुझको डर लगा कहीं वो हलाक तो नहीं हो गए, और जब आए तो पसीने से शराबोर। पूछा अब्दुल रहमान कहां रह गए थे, कहा सरकार माल का हिसाब देने में रह गया। कौन सा माल, जिसमें रत्ती बराबर कोई शक वाला माल नहीं था। कयामत में सवाल इसका नहीं होगा कि हलाल से कमाया कि हराम से कमाया, हदीस पर मुतमईन होता है कि मतलब हलाल से हम कमाते हैं, कोई चीटिंग ही नहीं करते हम, कहना सवाल इस पर नहीं कि हलाल से हराम से कमाया, हराम के लिए सरकार ने फरमाया वो तो जहन्नम के लिए है, जो हलाल कमाया उसका हिसाब है। अच्छा मेरे बारे में अल्लाह के नबी सलाम ने कहा कि माल की वजह से मैं पीछे रह जाऊंगा नबी नबी से, कहा मैं जानी जितना माल आया है करोड़ों का सब अल्लाह के नाम पर सबका है, सब सबका है। इतना बड़ा माल खर्च करके वो ये नहीं समझे कि मुझे महफिल में बैठकर ईमान का मुजाकर करने की क्या जरूरत है, मुझे इतना बड़ा सभी आदमी है वो बैठकर ईमान के मुजाकरे कर रहे हैं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है जद्दिदु ईमानकुम, ईमान को ताजे करते रहना वरना ईमान पुराना हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। सब पुराना कैसे होगा कि सब आवक ज्यादा कम है खर्चा ज्यादा है तो आदमी फकीर हो जाएगा, कि ईमान पर ईमान के जाने के सैकड़ों रास्ते हैं। घर में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, दोस्तों में चले जाओ, सारे मुजाकरे ईमान के खिलाफ के हैं, इसका असर इंसान के ईमान पर पड़ता है। माल से होगा, पौधे से होगा, जमीनों से होगा, यूं करने से यूं होगा, यूं करने से यूं होगा, इसके सिवा कोई तस्करा नहीं। मजाक में झूठ बोल दिया आदमी ने, ईमान के जाने का रास्ता है। नजरें गलत चली, ईमान के जाने का रास्ता है। जुबान से गीबत हो गई, ईमान के जाने का रास्ता है। ईमान पर जब और ईमान के कम होने के तो सैकड़ों असबाब है और उसके बढ़ाने का कोई असबाब नहीं कि 24 घंटे में 10 मिनट भी मस्जिद में बैठकर अपने ईमान को बढ़ाने की मैंने तालीम नहीं सुनी तो 24 घंटे में मेरे ईमान के जाने के सैकड़ों अमल हो गए और मेरे ईमान के बढ़ने का एक अमल भी नहीं है तो घटते घटते कब तक पास में रहेगा। ये बुनियादी चीज मेरे दोस्तों अंदर का यकीन है,
और ये यकीन जब आदमी इसके लिए मेहनत करेगा तो इतना नहीं है कि दुनिया में जान माल लगा और फकीर बेचारा घूमता रहेगा ना, कि इस मेहनत पर उसकी जिंदगी में तो ईमान आएगा और इसकी मेहनत पर खुदा दुनिया में अमन लाएगा, चीजों से अमन नहीं आएगा, अमन की बातों से अमन नहीं आएगा। उन्होंने फरमाया आदि तुम क्यों नहीं आते मुझे पता है, ये तुम्हारे जहन के सवाल आते हैं, ईमान की मेहनत पर क्या होगा। तो आखिरी जो बात थी वो सरकार ने कह दी इनको, क्या आखिरी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ी ये है ताकत और ये सबसे बड़ा आदमी है, तो उसकी लड़कियां बांदिया बनकर आएगी और उसके माल तमाम खजाना इनके कदमों में होगा। और फिर आपने पेशीन गोई कर दी, माल जमा करने वाली तू भी होगा, अभी तो कलमा पढ़ना पड़ा भी नहीं है और सरकार पेशीन गोई फरमाते हैं, इस माल जमा करने में तू भी होगा। और ये फरमाया ये जो भूखे नंगे नजर आते हैं ये तो कुर्बानी है, कुर्बानी कुर्बानी का जमाना तो लुटाने का होता है, उसके बाद का जमाना उस पर अल्लाह की तरफ से बख्शिश का होता है, बगैर लुटाए अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं होता। और अभी तो समझता है इनके पेटों पर पापे हैं, खुदा इन्हें इतना देगा कि सब जकात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। और आज ही सना देखा है, सना का हुजूर सुना है देखा नहीं, यमन का शहर है देखा नहीं सुना है, फरमा दुनिया में इतना अमन होगा कि मक्का की जिंदगी अगर हम देखें तो नबी की ये बात हमारे दिमाग में ना आवे, नबी की बात का यकीन ही सिर्फ इसको यकीन ही इसको मनवावे, वरना अकल में काम ना आवे। अकेला आदमी जा रहा है, किसी ने भी लूट लिया, गुलाम बनाया, बेच दिया, और जिसको जहां बेच दिया वो वहीं जिंदगी गुजार लेता है, नहीं अपने को बेच दिया अपने यही गाड़ी गुलाम बनकर, वो भागने की भी नहीं सोचता है, माहौल दुनिया का ऐसा। अकेला आदमी जी नहीं सकता, अकेला आदमी सफर नहीं कर सकता, और उस माहौल में सरकार फरमाते हैं दुनिया में इतना अमन आएगा इस मेहनत पर कि सना से एक औरत चलेगी, जवान भी होगी, अच्छी शक्ल की भी होगी, लेकिन जेवरात से लदी हुई होगी, लेकिन उसको ना अपने माल की चोरी का कोई खौफ होगा, ना अपनी इज्जत आबरू का कोई खौफ होगा, और मक्का का आके तवाफ करके वापस जाएगी। आदि फरमाते हैं किसरा का खजाना जमा करने में तो मैं भी था, और किसरा की बेटियां आई तो जैसे और कैदियों को तकसीम किया, इनको भी तकसीम कर दिया गया। अली ने फरमाया है जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी कि बड़े लोगों की इज्जत करते थे आप, कि किसी बड़े की बेटी आती तो किसी बड़े को देते, हर एक के हाथ में नहीं देते। हजरत सफिया सरदार की बेटी थी, जब कैदी बनकर आई तो हजरत दहिया के हवाले कर दिया, साहबा ने फरमाया तो हुजूर ने हजरत दहिया से सफिया को वापस लेकर हजरत सफिया से निकाह कर लिया। तो क्या किया जाए, कहा इनको वापस ले लो इनसे तीनों को, और इनकी शान के मुताबिक बड़ों को दो। तो एक बेटी तो हजरत हुसैन को दी गई और दूसरी बेटी अब्दुल्लाह इब्न उमर को दी गई और तीसरी बेटी मोहम्मद इब्न अबू बकर को दी गई। एक बेटी के पेट से इमाम जैनुल आबिदीन पैदा हुए, इमाम जैनुल आबिदीन आबिदीन के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उमर को जो बांदी दी गई उनके पेट से हजरत सालिम पैदा हुए, जिनके बारे में आता था ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के डुप्लीकेट है, किसको देखना होगा उमर कैसे थे, कैसी इनकी समझ थी, कैसी इनकी नमाज थी, कैसा इनका तकवा था, कैसा इनका अल्लाह का डर था, सालिम को देख लो। और तीसरी बेटी हजरत मोहम्मद इब्न अबूबकर के हाथ में आई तो उनके पेट से हजरत कासिम पैदा हुए जो मदीने के मुफ्ती बने। युखरजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरजुल मय्यत मिनल हय्य, अल्लाह फरमाते हैं हम हैं जिंदे से मुर्दे को निकाले, मुर्दे से जिंदे को निकाले,
कि मेहनत होती है तो ऐसे मुर्दे जगह से ऐसे इंसान पैदा होते हैं, और जब मेहनत खत्म हो जाती है मेरे दोस्तों, मेहनत खत्म हो जाती है तो क्या होता है आज के दौर में समझाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ सकता है कि जहां पर दीन ही दीन होता था वहां जाए तो बेदीनी ही बेदीनी नजर आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक शाहरा देकर भैया खुला रास्ता, इस पर चलोगे पार हो जाओगे, यह आसान रास्ता है, बरकतों वाला रास्ता है, रहमतों वाला रास्ता है, और इससे हटोगे तो जो लाइन इख्तियार करोगे वो कांटू भरी लाइन है, मसाइल भरी लाइन है, मुसीबत भरी लाइन है। फैन लहू माइन दन का अल्लाह ने कह दिया जिंदगी तंग कर देंगे, कुशादगी के असबाब है और जिंदगी तंग है, इतनी तंग है कि आदमी सोचता है जान दे दे अपने, और जिसके पास जितने असबाब है उतना परेशान है, जिसके पास जितने असबाब है उतने परेशानियां हैं। एक चोर घुस गए एक बुजुर्ग के घर में, खटाक की आवाज आई तो आंख खुल गई उनकी, वो देखा उनका एक गलत जगह घुस गया है, गरीब क्या मिलेगा उसे यहां, तो दरवाजा खुला हुआ था घुस गया, ताला तो लगा नहीं था उस पर, जैसा अंदर में कुछ था ही नहीं, तो इनको ये शर्म आई कि एक आदमी बेचारा रात भर जागा होगा मेरे घर में चोरी करने के लिए और यहां आकर खाली हाथ वापस जाएगा तो इसको तो शॉट लगेगा गरीब को, ये मेरी तो पूरी रात जागना बेकार गया। तो जो चादर ओढ़ी हुई थी उसको आहिस्ता से जमा किया और दरवाजे पर डाल दी ताकि जाते हो कम से कम चादर लेके जाओ, चलो इतना तो मिला। दुनिया के असबाब में राहत नहीं, दुनिया के असबाब तो आजमाइश के लिए है, आजमाइश के असबाब में राहत नहीं होती। इम्तिहान गांव में पर्चे दुनिया भर के लेके एक बच्चा बैठा है, वहां राहत कहां उसे मिलेगी, क्योंकि राहत तो इस इम्तिहान के पर्चों को सही भर लिया तो अब राहत ही राहत है। तो अल्लाह ने दुनिया तो इंसानों की आजमाइश के लिए दी है, सब दुनिया में इंसान को जो आजमाइश के लिए असबाब दिए हैं, इन असबाब में अल्लाह के हुक्मों पर चला तो खुदा इन असबाबों में बरकत डाल देगा, राहत डाल देगा, रहमतें डाल देगा, कि असबाब की कमी पर इंसान परेशान नहीं होगा। सहाबा की जिंदगी हमारे सामने है, उन्हें भी भूख लगती थी, उन्हें भी सर्दी गर्मी लगती थी, उन्हें भी बीवी बच्चों की जरूरत थी, उन्हें भी मकान की जरूरत थी, उन्हें भी खाने पीने की जरूरत थी, वो हमारी तरह इंसान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो कुछ था वो अल्लाह के नाम पर लगवाकर खाली कर दिया और इंसानों को बतलाया, इंसानों को डमोरा बतलाया कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है और माल कहां लगाने की जगह है, जान कहां लगाने की जगह है, फिर उस पर क्या अल्लाह की तरफ से मिलेगा, और असबाब से नहीं होगा, अल्लाह की जात के यकीन से काम बनेगा। इंसानों को समझाया कि जहां जहां जिन असबाब की जरूरत थी उस मौके पर असबाब से खाली सहाबा को लेकर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर में गए तो कुछ नहीं ले गए, और सबसे बड़ा मसला है वहां साहबा ने फरमाया हम मस्जिद में थे, क्या हम जाकर लेकर आए घर से, कहा चलो ऐसे ही चलो। अबू सुफियान का काफिला को चूहा थोड़ी था कि जाकर उसको पकड़ना था, हाँ सरकार भरमाते हैं ऐसे ही चलो, हुजूर घर से लेकर कहा, अल्लाह को तो मालूम था ये खाली हाथ जा रहे हैं मेरे नबी के साहबा और सामने क्या होने वाला है, वो सामने लोग पूरे असबाब से तैयार होकर आने वाले हैं और इनको अल्लाह खाली हाथ भेज रहा है, भूखे हैं, सवारी ही पूरी नहीं है, एक दो चार घोड़े दो चार ऊंट है, और जिसकी उस वक्त में जरूरत है जिन चीजों की वो भी नहीं है, नहीं नहीं खाली हाथ चलो, क्यों, अल्लाह दिखाना चाहता है कि दुनिया के लोगों
जमीन और आसमान के मालिक हम हैं, हमने पैदा किया है, हमने पैदा किया है, इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है और हमारी मदद के बगैर तुम क्या कर सकते हो और हमारी मदद न हो तुम पर क्या हो सकता है, अल्लाह ने खुले आम बतला दिया कि 313 बगैर असबाब के हैं। और 1000 पूरे असबाब के साथ है, लाके सामने खड़ा कर दिया। अकल में आने वाली चीजें नहीं है, ये ईमानी चीजें हैं, ईमानी ये अंदर का ईमान समझाएगा, अकल की बुनियाद पर समझेगा तो पता नहीं क्या क्या दाखिल कर देगा। बहुत से आए कुरान को समझने वाले नदी को समझे बगैर, क्या सुलेमान अलैहि सलाम ने से चूंटी ने बात की तो अकल में सोचा यार इसको कहेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोला चूंटी नबी से कैसे बात करेंगे, तो लिख दिया कि उस जमाने में चूंटी जो भैंस के बड़े जितनी बड़ी होती थी, भैंस जैसे अकल वाला ये लिखेगा और क्या लिखेगा, नबी को समझे बगैर कुरान समझ जाएगा वही लिखेगा। पाक है वो अल्लाह जिसने अपने नबी को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करवाया, नबी का मौजूदा है यार, ये तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा कहेंगे तो, कि एक ही रात में अल्लाह के नबी सलाम बगैर सवारी के मक्के से अक्सा गए, समझ में नहीं आएगा। तो तर्जुमा कर दिया, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम के एक कोने से दूसरे कोने का सफर कराया, इधर से इधर 10 मिनट का। इसलिए अल्लाह ने पहले कह दिया इस कुरान को अकल में नहीं आएगी, ये दिल में उतारने की ला रही बफी, इस कुरान में कोई शक नहीं है, ये पहले दिल में आएगा तो कुरान समझ में आएगी। और इस कुरान में कोई शक नहीं है, इसको अंदर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसान फरमाते हैं हमने पहले ईमान सीखा, नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठ बैठ कर आखिरत को सुना, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, कब्र क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह की जात और अल्लाह की कुदरत क्या है, जात तो नहीं समझ सकते अल्लाह की कुदरत क्या है, जमीन का खालिक कौन, आसमानों का खालिक कौन, किसने इसको जमीन को रोक रखा है, कौन जमीन और आसमान का मालिक है, कौन है जो इंसान को मां की 3 अंधेरियों में बनाता है, और कौन है जो इतने इंसानों को शक्ल देता है और किसी की शक्ल किससे मिलती हुई नहीं आती है, कौन है वो जात, क्या उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठकर वो जन्नत को जहन्नम को और उसके आजाब को और उसके नियामतों को इतना सुना उतना सुना कि अंदर में ये उतर गया और ये बात यकीन तक पहुंच गई, जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो होकर रहेगी, हमारी अकल में आए कि ना आए। तो साहबा ने फरमाया हुजूर हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, किस बात पर, समयाना अलसम्य वत्ता, सुनने पर और मानने पर, आपकी ही सुनेंगे और आपकी ही मानेंगे, हमारी तरह नहीं कि बात तो सुनेंगे नबी की और मानेंगे कटम वाले की, बिरादरी की शादी करनी है तो बिरादरी का क्या तरीका है, धंधा करना है तो मार्केट का क्या तरीका है, 2-4 आदमी के बीच में फैसला करना है तो व्यवहार क्या कहता है, इसमें तो कोई तस्करा है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, इसको हम तस्करा ही नहीं करते। साहब हमारे हमने जो पहले दिन बैत की थी कि सरकार आपकी ही सुनेंगे आप ही की मानेंगे, अच्छे हालात होंगे तो भी और तकलीफ के हालात होंगे तो भी, जी चाहेगा तो भी जी न चाहेगा तो भी, कि जी नहीं चाहता, अल्लाह के बाद आकाम ऐसे है कि आदमी का जी नहीं चाहता लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा करना है, इस बात पर बैत की थी आपसे। अब जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, जीने चाहा तो नहीं चाहा तो, अकल ने कबूल किया तो नहीं किया तो, क्यों कि अल्लाह का हुक्म जो है दीन की बातों को समझने का नहीं है, मानने का हुक्म है, कि ये मानो कि जन्नत है, नेक अमल पर जन्नत मिलेगी इसका यकीन करो, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है,
इसे अकल से समझोगे तो नहीं आएगी, इतनी अकल हमारी लंबी थी कि जन्नत उसमें आ सके। बुरे आमाल का बदला जहन्नम है, इसका यकीन करो, ये अल्लाह के अलग अलग हुक्म है। खबर जहन्नम, जहन्नम का घड़ा है, जन्नत का बाग है। उन सिरा तलवार से तेज बाल से बारीक जहन्नम के ऊपर लगा हुआ है, अकल में नहीं आने का। नबी अलैहिस्सलाम कहते इसमें मानो, उस अल्लाह ने कहा है जो अल्लाह कहते हैं, वमन असदक मिन अल्लाह कीला, अल्लाह से बढ़कर सोच बोलने वाला कौन होगा। और खबर वो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, मा ज़ागल बसर व मा तगा, अल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को 7 आसमानों पर बुलाकर सब कुछ दिखाया, और हमने जो दिखाया नबी अलैहिस्सलाम ने वही देखा। ये नहीं कि देखने में भूल खा गए या कोई देखने वालों गलती हो गई, और आकर दुनिया में वही कहा, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसी जुबान दी है कि वो जुबान वही बोलती है जो हम कहते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी हर बात लिखा करते थे। एक दिन किसी ने कहा, अरे भाई अब्दुल्ला हर बात लिखने की नहीं होती, कभी नबी अलैहिस्सलाम खुश मिजाजी में होते हैं, कभी किसी बात पर गुस्से में होते हैं, तो हर बात लिखने की नहीं होती, मुनासिब नहीं है। तो साहबा को इसका बहुत डर लगा रहता था, कोई बात नबी अलैहिस्सलाम के मिजाज के खिलाफ हो जाए, साहबा इससे बहुत डरते थे। क्यों? अंदर का यकीन था अल्लाह की रजामंदी नबी की रजामंदी के साथ है। क्या अगर नबी नाराज हो गए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक आदमी से झगड़ा हो गया। उनका झगड़ा हमारे जैसा मां बहन वाला नहीं था। तो कोई सख्त बात कह दी, कहने को कह गए, फौरन एहसास हुआ कि मैंने सख्त बात क्यों देख कह दी रबिया को, क्या रबिया बदला ले रहे। तो रबिया समझ गए थे कौन आदमी है सामने, कहा ना, कहा बदला ले ले, मैंने तुझे सख्त बात कह दी तू बदला ले ले, कहा ना, कहा ले ले वरना शिकायत करूंगा नबी अलैहिस्सलाम से, कहना ही नहीं सकता। चले गए तो एक आदमी कहने लगा, अजीब आलो अजीब है, एक तो ऊपर से सख्त बात नहीं कही, ऊपर से कहते हुजूर को शिकायत करूंगा, अच्छा बैठ, ऐसे बहुत होते हैं दुनिया में, ऐसे चम्मच साइड के गुमराह करने वाले दुनिया बहुत होते हैं। शेख सादी कहते हैं बहुत से इंसानों के चेहरे शैतान इंसानों के भेष में होता है, इसलिए हर एक के हाथ मत दे दो, और जो कुछ कहे आगे मत चला, कफा बिल मारे कर्जीबन अयो हद से बिल्कुल ले मा समिया, आदमी के झूठ होने के लिए काफी है जो सुना आगे चलता कर दिया, कुछ सांभ्यो तो ले आएंगे चलता कर दिया, ये झूठा होने के लिए काफी है। क्या चुप बैठो, तुम्हें पता है कौन आदमी है? ये वो आदमी है कि अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो गया तो रबिया कहां जाकर ठिकाना पकड़ेगा, फिर रबिया के बर्बादी में क्या शक है, बदला नहीं ले सकता। साहब ऐसे बहुत डरते थे, एक साहबी आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में, अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक चेहरा फेर लिया, खत्म हो गए, तो आप दुनिया बर्बाद हो गई इनकी, मेरे सलाम पर सरकार ने चेहरा मुबारक फेर लिया। अड़ोस पड़ोस वालों से पूछने लगे, भाई क्या भूल हुई मेरी, कोई बात यहां चली थी मेरी, कोई भूल हो तो मैं सब कामों से कहा कुछ पता नहीं। एक ने कहा कोई बात तो तुम्हारी हो ही नहीं, लेकिन कल शाम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा तफरी के लिए निकले थे, तो तुमने जो पक्का मकान बनाया है वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे थे और पूछा था यह मकान किसका है, तो हमने तुम्हारा नाम लिया था कि फुला आदमी का है, इतना पता है और कुछ पता नहीं, बस चुपके से निकल गए मजलिस से और घर पूरा जमीन के बराबर करके आके बैठ गए। यह नबी की इताअत, इस पर बैत की थी, आप ही की सुनेंगे आप ही की मानेंगे, जी चाहेगा तो भी जी न चाहेगा तो भी, ये ईमान सीखा था, ये ईमान मतलूब है मेरे दोस्तों, उस ईमान को सीखने की सारी मेहनत है, और उस ईमान को सीखने के लिए जो दुनिया दिल में बसी हुई है और जिस दुनिया पर होने का यकीन है, जब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा उस अल्लाह से होने का यकीन नहीं आएगा।
और आदमी अपना हिसाब करे। मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त की, लेकिन क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ के मेरे अंदर का यकीन बना है कि मेरा अल्लाह से इतना ताल्लुक हुआ है कि साहब मेरा कोई भी मसला है क्या टेंशन है, मैं 2 रकात पढ़ के मेरे अल्लाह से कह दूंगा। क्या मेरी नमाज पर मुझे इतना यकीन है? क्या मेरे कुरान के पढ़ने पर मुझे इतना यकीन है कि साहब कोई मसला आ गया, जेब में पैसा है तो मुझे इत्मीनान है कि कोई मसला आ गया तो कोई बात नहीं, बहुत पैसे जेब में पड़े हुए हैं, कोई बीमारी का मसला आ गया, कोई और मसला आ गया, कल इतना मैं मुतमईन हूं? क्या मैं अल्लाह की किताब पढ़ के इतना मुतमईन हूं कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ के अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मेरा काम बना देगा? ये सीखने की चीज है, ये सबसे बड़ी मेरी और आपकी जरूरत है मेरे दोस्त। साहबा फरमाते हैं हमने नबी अलैहिस्सलाम से इसको सीखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी माहौल के बिल्कुल खिलाफ, खंडक खोल रहे हैं पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, एक साहब ने आकर कहा सरकार भूख से परेशान है पेट पे पत्थर बंधा है, तो सरकार ने अपना जुब्बा उठाकर दिखाया तो वहां 2 पत्थर थे बंधे हुए। अल्लाह फरमाते हैं मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कमजोरी लगी, और कहा कि अल्लाह की कसम वो कमजोरी भूख की वजह से थी। तो दौड़े हुए घर पे गए, बीवी से कहने लगे वो अल्लाह की बंदी, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, आपकी आवाज में कमजोरी थी और खाली भूख की वजह से वो थी, घर में कुछ है खाने को? बीवी ने कहा इतना है कि 13 सहाबा और 14 हुजूर पाक अलैहिस्सलाम या 14 सहाबी और 15 हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इतने खा सके इतनी गुंजाइश है। कहा तैयार करो मैं आता हूं। दौड़े दौड़े गए, कहा हुजूर आप और आपके साथ 13 या आप और आपके साथ 14 इतने आदमी की गुंजाइश है, चलिए आप घर का। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐलान कर चलो वाह सब दावत है यार 1500 आदमी। अल्लाह कहने लगे या अल्लाह क्या होगा? दौड़े दौड़े घर पे गए, कहा हुजूर पाक अलैहि सलाम तो 1500 को लेके आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि मियां इज्तिमा में जाते थे, जमातों में जाते थे, हज में भी जाते थे, चिल्ले भी लगाते थे, बीवी की जिंदगी में नमाज दी थी, ऐसा नहीं था वहां माहौल। जैसे हम आदी है कि मार्केट में गए, देखा माशाल्लाह अच्छे अंगूर पड़े हैं, एक दाना उठाकर चखा बहुत मीठा है तो बीवी बच्चों के लिए 2 किलो बंधा दिया, एक आम चखा बहुत अच्छा लगा तो बीवी बच्चों के लिए बकस खरीद लिया। जैसे दुनिया भर की दुनिया हम अपने घरों में लेकर आते हैं, सहाबा उससे ज्यादा नबी की बात को मस्जिद में अपने घर में लेकर आते थे, ये लो ये लेने की चीज है। आज नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है, आज नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है अल्लाह के नाम पर भूखे रहने पर यह मिलेगा, अल्लाह के नाम पर नमाज पढ़ने पर यही मिलेगा, अल्लाह का नाम लेने पर यह मिलेगा, आज नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है। तो बीवी क्या कहती है? तुमने कह दिया था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि 15 आदमी का इंतजाम है, का कह दिया था काफी जो नबी लेकर आए वही जा रहे, तुम क्यों टेंशन लेते हो? जो नबी अलैहिस्सलाम आए हो सरकार ने वो तलाश फरमा, जाओ बीवी से कहना हमारे आए बगैर रोटी भी नहीं निकालना और सालन भी नहीं निकालना। एक छोटा बकरी का बच्चा था, उसका सालन पकाया था, कुछ जौ पड़े थे पीस कर उसकी रोटियां बनाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, थोड़ा थूक मुबारक उसमें डाल दिया आटे में और उसमें, और फिर इन कहा कि भाई रोटियां निकालते रहो और खिलाते रहो और सालन निकालते रहो देते रहो। 10 बड़े लंबे चौड़े मकान नहीं थे हमारे, रहने के 6x6 के इतना बड़ा भूत बंगला बनाया कि रात को मनसा कुछ ताबी दो ऊपर खड़खड़ का आवाज होता है, इतना बड़ा बनाया था। मनीषा कोई आदमी है गांव में गरीब, क्या करना है? मेरे घर में मुफ्त में रह गए, खाली सफाई रखे, वो गरीब कहता नहीं रहना, ये भूल बंगला कौन साफ करेगा? अरे 1000 रुपया दूंगा, कहना नहीं रहना है, बहुत भागते है हमारे यहाँ, भूल बंगले नहीं बना के रखे थे, ये खुद बनाओ खुद परेशान हो और रहना तो उसमें है नहीं। हमारे गांव ने बहुत बड़ा बंगला बनाया, मैंने उससे कहा सब कुछ जाने दे, अल्लाह अगर उसमें तुझे ये पूछे कि कितने दिन रहा था तू क्या जवाब देगा कि तुझे तो वहां कभी छुट्टी हो, मैं आ गया 10-15 दिन के लिए और फिर चला गया, तो तेरा भूत बंगला इतना बड़ा बनाया क्यों है? तना खुश ताकि लोगों को मालूम है कि बड़ा सेठिया है आबू हो गया। तो छोटा सा मकान 10-10 आदमी आते गए खाते गए, सरकार ने फरमाया
कोई हड्डी या किसी के हाथ में उसको तोड़ना नहीं। अब सारे खा चुके तो सबसे आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठे और आपने खाना खाया, आपके साथ जो थे उन्होंने खाना खाया, फिर आपने सब हड्डियां जमा करके दुआ की तो बकरी का बच्चा खड़ा हो गया। कलो भी तुम्हारा बकरी का ये बच्चा और आटा तो उतना का उतना पड़ा हुआ है 1500 के खाने के बाद, हमको तो हमारे रब ने खिलाया, हमारे रब ने खिलाया। ये तो नबी का मौजजा था, लेकिन इस रास्ते पर जो चलेगा ऐसी बरकतें जिंदगी में आएगी। उस रास्ते पर सहाबा ने कहा, हमने नबी अलैहिस्सलाम से बैत की थी कि नबी अलैहिस्सलाम जो बात कहते थे अंदर का यकीन था कि इसी में कामयाबी है और ये होकर रहेगा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसमें काम नाकामी है, इसमें नाकामी है तो मुझे कितनी ही कामयाबी नजर आ जाए, ये मेरे ईमान की कमजोरी है अगर मैं उसमें नाकामी नहीं समझता, और जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कामयाबी कहा उसमें मुझे कामयाबी नजर नहीं आती तो मेरे ये ईमान की कमजोरी है जिसे मुझे सीखने की जरूरत है। साहबा ने ईमान सीखा तो ऐसा सीखा कि हाल ये है भूख से पेटों पर पत्थर बंधे हुए, एक बड़ा पत्थर तोड़ने की बारी आई, साहबा की हिम्मत नहीं हुई तो कहा हुजूर बहुत बड़ा पत्थर है, खंडक खोद रहे टूट नहीं रहा। अल्लाह के नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने हाथ में कुदाल फावड़ा जो तोड़ लिया और एक जोर से मारा तो एक रोशनी निकली, जैसे पत्थर पे पत्थर लगता है या लोहे पे लोहा एक चमक होती है, तो चमक हुई आपने कहा अल्लाह अकबर। दूसरा मारा फिर चमक हुई, फिर कहा अल्लाह अकबर। तीसरा आपने मारा फिर चमक हुई, कहा अल्लाह अकबर। साहबा ने पूछा यह नई बात हुई है, कहा अल्लाह के नबी सलाम नई बात देखी क्या हुआ था? आपने फरमाया जब पहली चमक हुई ना तो किसरा के महल्ला दिखाए गए कि मेरी उम्र पता करेगी, और हाल क्या है दो पत्थर पत्थर पेट पर बंधा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि चलो खंडक खोदने के बाद आराम शाम को घर जाकर देख चढ़ाएंगे और खाएंगे, ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है शाम को भी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख से परेशान हो गए तो मस्जिद से बाहर आकर बैठ गए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु निकले तो जबरदस्ती का मसला पूछा कि बातें करते करते घर तक जाएंगे तो कहे चलो खा लो तुम भी मेरे साथ खाने के, मगरिब की बात का वक्त है। तो मसला पूछते पूछते घर आ गया तो सिद्दीक अकबर ने नहीं कहा चलो घर खाने के लिए, उनको पता था घर में कुछ आएगी तो क्या होगा, वापस आ गए। अंदाज लगाने की जरूरत है मेरे दोस्तों, ये मुजाहिदी और ये सारी कुर्बानियां अल्लाह के दीन के लिए है, जिंदगियों में आए और दुनिया में चले उसके लिए। इन कुर्बानियों से दुनिया में दीन चलता है, नस्लों में चलता है, माल से नहीं चलता, माल के नक्शों से नहीं चलता, परानों से नहीं चलता। वापस आकर फिर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु निकले, उनसे भी वही बहाना किया मसला पूछने का। पूछते पूछते घर तक गए तो उन्होंने भी खाने के लिए नहीं कहा, कुछ उनके यहां भी नहीं था। वापस आकर फिर बैठ गए। क्या क्योंकि अब तो अल्लाह के महबूब के बाहर आने की बारी है, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो समझ गए मेरा शागिर्द क्यों बैठा है। अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया था नबी अलैहिस्सलाम को, काबू हो गया चल चल दिए साथ में। घर में जाकर पूछा कुछ खाने को है, एक प्याला दूध है, एक प्याला दूध है। हताबू हो गया मैं खुश हो गया, चलो कुछ तो पेट में घंटा दो घंटा तो रहा जाएगा। ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ अशाब सुफा को बुला के ले आओ। अबू हुरैरा फरमाते मुझे को तो इतना कांटा पड़ गया है, एक तो मेरे लिए मुश्किल से दो चार लुकमा था, मुश्किल से मेरा आधा पेट भरता, और सरकार तो फरमाते हैं वो 70 आदमी है उनको लेकर आओ, लेकिन वो तो बैठ कर चुके हैं, जी चाहेगा तो भी नहीं चाहेगा तो भी, समझ में आवे तो भी, नहीं समझ में आवे तो भी। गए 70 आदमी को बुला कर ले आए और रास्ते में सोचते हैं बुलाकर लाया हूं तो पिलाने के लिए भी मेरे को हुजूर अलैहिस्सलाम पे एक नया और काटा पड़ेगा। और हर एक हजार को हुजूर पिलाते हैं, देखते हैं कि है कि खत्म हो गया। 70 आदमी ने पी लिया और आखिर में प्याला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने मुस्कुराकर फरमाया अबू हुरैरा तू और मैं दो बाकी है,
कहे पी ले, कहना हुजूर आप पीजिए, कहा पी ले, कहा हुजूर आप पीजिए, कहा अबू हुजरा पी ले, कहा अबू हुजरा ने पिया, खूब पिया और वापस किया, कहा और पी ले, और पिया, फिर वापस किया, सरकार ने फरमाया और पी ले, कहा यहां तक भर गया, जगह नहीं है। फिर हुजूर पाक अलैहि सलातो व सलाम ने पिया। ये कोई वाकया बराए वाकया नहीं है, उस नबी अलैहि सलातो व सलाम ने कि हर अमल में कयामत तक के इंसानों के लिए नमूना है, तो कोई तकलीफ आ जाए नबी के रास्ते में आके बैठ जाओ। नबी का रास्ता कौन सा है? वो सारी बरकतें निकल आएगी जैसी प्याले में इन सत्तर के लिए निकल आएगी, और तो हमारे बैठने से हमारी नहीं, हमारी पता नहीं कितनी नस्लों तक की बरकतें निकल आएगी। कुरान में अल्लाह ने वाकया बयान किए हैं कि सातवीं पुश्त में दादा नेक था, उस दादा नेक दादा की नेकी सातवीं पुश्त के बाद एक दीवार टूट रही है, तो अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा दीवार सही कर दो, कि उस दीवार के नीचे यतीमों का माल दफन है और बच्चे छोटे हैं, अभी अगर दीवार गिर गई माल निकल आया तो लोग उड़ा ले जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि हमने हिफाजत क्यों की, कि इन बच्चों का सातवीं पीढ़ी में एक दादा नेक था, उसकी नेकी का असर यहां तक पहुंचा है। कुरान ने वाकई ऐसे ही नहीं बयान किया मेरे दोस्तों, ये रास्ता है जिंदगी को बनाने का, जिंदगी की परेशानी का मिटाने का, दुनिया में कामयाबी का, आखिरत में कामयाबी का, कि आदमी मेहनत करके नबी अलैहिस्सलाम की बात का यकीन दिल में पैदा कर ले। तो करने वाले अल्लाह की है, इज्जत जिल्लत कामयाबी नाकामी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे कामयाब करने पर आए कोई नाकाम नहीं कर सकता, जिसे नाकाम करने पर आए कोई कामयाब नहीं कर सकता। जिनको अल्लाह ने नाकाम किया उनको दुनिया के सारी चीजें देकर अल्लाह ने नाकाम कर दिया, इंसानों को समझाया दुनिया की चीजों से कामयाब होता तो यह नाकाम नहीं होता, जमाने भर का खजाना कारों को दे दिया, अल्लाह ने नाकाम कर दिया, पूरी दुनिया का बाशन अमरूद को बना दिया, नाकाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया, ऐसा कर दिया कि आज दुनिया का कोई इंसान अल्लाह को मानता हो कि न मानता हो अपनी औलाद का नाम नमरूद नहीं रखेगा, और उसे कहोगे तो वो गाली समझेगा अपने लिए। सारी दुनिया की बादशाह इसको अल्लाह ने दी थी, और जब उसने इज्जत का फैसला किया तो इंसानों को बतलाया, देखो हमारे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने फैसला किया था इनको नबी बनाएंगे और इज्जत देंगे, तो भाइयों ने सोचा कि इनको कुएं में डाल दो, डालो, पहली बेइज्जती, जिसके घर वाले किसी की बेइज्जती करे तो सारी दुनिया सोचती है यार अच्छा आदमी होता तो उसके घर में तो उसकी इज्जत होती, घर वाले ही उसकी गालियां दे रहे, उसका मतलब कि बहुत बुरा आदमी है, घर वाले ही दुश्मनी कर रहे हैं, ताकि करने कौन जाता है, ताकि करने के लिए कौन जाता है। भाइयों से कुएं में डलवाया, फिर पराए आदमियों के हाथों भाइयों ने सस्ते में बेच दिया, फिर गली कुची में छुपा के नहीं बेचा, मिस्र की उस वक्त की हुकूमत सारी दुनिया उस वक्त की जाने, वहां मिस्र में नीलामी हुई कि हर कोई जाने कोई किसी को बेचा लोगों ने, और फिर जिसके घर में वो लेकर गया उसकी बीवी ने जीने की तोहमत डाली, जीना किया था, गलत मेरे साथ काम करने की कोशिश की, चलो भाई कुछ तो लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही हो, लेकिन उसके आगे का क्योंकि 7 साल की सजा भी हो गई तो हर कोई क्या सोच सकता है ना यार, वो सही होते तो जेल ना होती। सारे जिल्लत के असबाब किसी को जलील करने के लिए जो हो सके वो सब असबाब अल्लाह ने जमा कर लिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई बेइज्जत नहीं कर सका, और वो सारे वाक्य अल्लाह ने आज भी बयान कर दिए, किसी के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कोई लफ्ज नहीं है कि अल्लाह ने चाहा है ऐसे कोई इज्जत जलील नहीं कर सकता। करने वाली इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह ने नबी से कहा नबी जी जाइए इंसानों को कुम फानज़िर और रब्बका फकब्बिर, इंसानों को समझाओ सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, उसका हुक्म मानने पर दुनिया में कामयाब रहोगे आखिरत में कामयाब रहोगे, और अगर उसका हुक्म नहीं माना
सारी दुनिया के भी बादशाह तुम बन गए तो दुनिया में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आखिरत में जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। को मान दिल वरबका फकबिर, इन्हें डराओ, असल मसला आखिरत का है। इस अल्लाह की बड़ाई की तुमने तस्लीम नहीं किया तो दुनिया का मसला तो बहुत थोड़ा है। हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में दुनिया में ऐशो आजा में रखे, मजे में रखे, बंगलों में रखे, कारों में रखे, लेकिन मरने के बाद के बारे में डराओ कि मरने के बाद इंसानों के साथ अच्छाई और बुराई का मामला सिर्फ दीन और सिर्फ दीन पर होगा। दीन के रास्ते से कमी होने के बाद मिलेगी दुनिया में तो अल्लाह एक दलील दे देंगे इंसानों को। इसने फरमाया या युन्नास इन वाद अल्लाह हक्कुन, ऐ लोगो अल्लाह का वादा हक है। दीन पर कामयाबी दुनिया आजमाइश के लिए है, अल्लाह की मानने पर कामयाबी है, अल्लाह के नाम पर भूखे रहने में इज्जत है, अल्लाह के नाम के लिए जलील होने पर इज्जत है, और अल्लाह के हुक्म मानने पर अब माल वाला माल में कामयाब है, झोपड़े वाला झोपड़े में कामयाब है, बादशाह बादशाहत में कामयाब है और फकीर फकीरी में कामयाब है, अगर अल्लाह की मान के चल रहा है और अल्लाह को बड़ा समय की दुनिया में चल रहा है तो। हक है लोगों मरने के बाद के सब मसले हक है, कब्र हक है, अकेले जाओगे कोई काम नहीं आएगा, बिरादरी काम नहीं आएगी जिस बिरादरी के अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, वो दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे, अकेले होंगे कब्र में, कब्र से उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होना है। उन सिरात बाल से बारीक है उस पर से गुजरना है। इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, अल्लाह फरमाते हैं हमने फैसला कर लिया है कि हर एक को इस पर से गुजरना है। उस अंधेरे में रोशनी ईमान पर मिलेगी। ये वादे हक है, दुनिया से धोखे में नहीं पड़ना कि दुनिया में मैं मजे में हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं आखिरत में मजे में रहूंगा, इस धोखे में नहीं पड़ना। ये बुनियाद नहीं है, दुनिया बुनियाद नहीं है कि वो आखिरत जिसमें ये सारे मसाइल है उसके कामयाबी का रास्ता। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, लेमन कहना यर्जुल्ला वल्योमल आखिर, जो आखिरत के दिन में कामयाब होना चाहता है और जो अल्लाह से अपना काम निकलवाना चाहता है उसके लिए नमूना हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जात है। और उस नबी अलैहिस्सलाम को समझने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा अल्लाह फरमाते हैं उलाए के हिजबुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, वो लोग हैं, इनको देखो इनमें जिंदगी कैसी गुजारी, माल आया तो माल में जिंदगी कैसी गुजारी, फकीर थे तो कैसे जिंदगी गुजारी, बीमार ने कैसी गुजारी, औरतों ने क्या किया, मर्दों ने क्या किया, ये जिंदगी नमूना है सबके लिए। जब उस यकीन को हासिल करो ये नमूना जो अल्लाह ने दिया है कामयाबी उसी में है, समझ में आए कि ना आए, कल भी कामयाबी उसी में थी, आज भी कामयाबी उसी में है और कयामत तक के लिए कामयाबी उसी में ही है। हदीस कुर्सी में अल्लाह फरमाते हैं नबी जी लोग हजारों रास्तों से हम तक आना चाहेंगे, आपके रास्ते के अलावा कोई रास्ता हम तक नहीं पहुंचेगा। लोग हजारों दरवाजे खटखटाएंगे, आपके दर के अलावा कोई दरवाजा हम पर नहीं खुलेगा। सब रास्ते बंद कर दिए गए, सब रास्ते बंद कर दिए गए। आज अगर कोई पहले नबियों में से किसी के नबी के दिन पर चलता है कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। कुछ औरत अल्लाह की किताब के जो अल्लाह ने आसमान से उतारी थी मूसा अलैहि सलाम पर, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं तौरात को मैंने अपने हाथ से लिखा है, जिस किताब के बारे में अल्लाह कहते हैं मैंने अपने हाथ से लिखा है, उस किताब के कुछ ताकत देकर हज़रत उमर जानो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम के पास आए, पढ़कर सुनाना शुरू किया। जैसे ही जैसे आदमी का देखो कागज हाथ में आया जरा सुनो इसमें क्या लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक बदल गया। हाजे उमर को तो मालूम ही नहीं, तो नीचे देख के पढ़ रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ठोका दिया, अरे उमर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक को तो देख लो, तुम तो पढ़ रहे हो उसे। जो चेहरा उठाकर देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक गुस्से से छोड़ दिया सरकार नहीं रही, रज़ी तो बिल्लाह रब्बन अबिल इस्लाम दीनन अभी मोहम्मद रसूल नबिया, अल्लाह के रब होने पर मैं राजी हूं, इस दीन के दीन होने पर राजी हूं, और आप अल्लाह के नबी है उस पर मैं राजी हूं, मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं आया, मैं तो यही पढ़ रहा था, क्या जरूरत थी इसे पढ़ने की।
اپنے صحابی کو سکر بنواتے ہیں. لوکان موسا حین لما بسے ہو لگتے بھائی. تم اس کو پڑھتے ہو ارے اگر موسا علیہ السلام وسلام بنفس نفیس اگر دنیا میں آ جائے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا ہوگا. تم کہاں دنیا کی کتابوں لے کر اس میں پریشان ہو گئے. تم آخری امت ہو, میں آخری نبی ہوں, وہ اللہ کی کتاب آخری کتاب ہے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدن للمتقین, جو اس پر یقین کرے گا اس کو یہ راستہ دکھائے گا, جو یقین نہیں کرے گا اسے کوئی راستہ نہیں دکھائے گا, شک میں مبتلا کرے گا. جیسے اس نے کہا کہ اس کونے سے اس کونے تک اور چونٹی بھینس کے برابر تھی. اس کی پہلی شرط ہے کہ اس 30 پارے کے کلام پاک میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے. زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ انسانوں کا قانون نہیں ہے کہ آج کے کل بنایا ہوا کل بدلنا پڑے اور کل کا بنایا ہوا پرسوں بدلنا پڑے. یہ اس اللہ کا قانون ہے اور اس اللہ کی کتاب ہے جس نے زمین اور آسمان کے پیدا اس سے 50,000 سال پہلے ایک مخلوق قلم پیدا کی, اس پر اپنے علم کا فیضان کیا اور اس قلم سے کہا لکھ. پہلا کیا لکھوں؟ کہا ابھی سے لے کے خربوں سال تک جو ہونے والا سب لکھ لے. ابھی زمین آسمان پتہ نہیں ہوگا. اللہ کیا لکھتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب برباد ہو گیا, ابھی تو زمین آسمان بھی نہیں بنے. پتا نہیں اس قلم لکھنے کے بعد کتنے لاکھ اور کروڑوں سال کے بعد ابو لہب دنیا میں آیا ہوگا, اور کتنے کروڑوں سال کے بعد وہ مغیرہ ولید ابن مغیرہ دنیا میں آیا ہوگا. اور اللہ اس وقت لکھتے ہیں کہ اس کے سامنے جب بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو دین کی بات کہہ رہے ہیں, ہم لوگ تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن اب حج کا موسم ہے, لوگ آئیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کی سچی پکی بات ہے تو لوگ تو ان کی بات کو مان لیں گے, تو ہمیں کوئی آئیڈیا لگانا چاہیے کہ لوگ ان کی بات سنے ہی نہیں. کیا آئیڈیا لگا رہے؟ کہا ہم ان کو پاگل کہیں نعوذ باللہ. ولید نے کہا لوگ تم کو پاگل سمجھیں گے. ایسا اچھی بات کرنے والا انسان اور ایسی صورت اور سیرت کا انسان کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ کہا شاعر کہے کہ لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے. عرب کا بچہ شعر جانتا ہے, وہ بات سن کر ہی کہہ دے گا یہ شعر نہیں ہے. ایک بہت بڑا شاعر تھا, لوگ اپنا شاعر لکھتے تو اس کے دروازے پر جا کے لٹکاتے اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی بھول نکالتا. بڑا آدمی تھا اس لائن کا. ان آپ اینا کل کا اوسر نازل ہوئی تو ایک صاحب نے جا کے گھر پہ لٹکا دی اس کے. اس نے دیکھا, بہت دیر سوچتا رہا, بھول سمجھ میں نہیں آئی. گھر میں گیا, باہر آیا, اندر گیا, بھول سمجھ میں نہیں آئی, لکھ دیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ہاں اللہ نے چیلنج کر دیا ہے قیامت تک کے لیے, اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے تو فاتو بے صورت من مثلہ. کہ اگر یہ تمہارا دماغ کہہ رہا ہے کہ تو نبی علیہ السلام نے لکھی ہے تو تم بھی تو انسان ہو, ہمارے نبی تو امی تھے, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. اللہ کہتے ہمارے نبی تو تم تو پڑھے لکھے ہو. ایک آیت ایک سینٹنس تو لاؤ اس کے جیسا اور سب جمع ہو جاؤ, ساری دنیا سب پڑھے لکھے سب جمع ہو جاؤ, ایک لاؤ. وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, اللہ کہتا ہے اگر تم نہ کر سکو اور نہیں کر سکو گے تو اس جہنم کی آگ سے بچو جس میں پتھر جلائے جاتے ہیں, وہ اتنی خطرناک ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جہنم کی آگ سے بچو کہ اس کا انکار تمہیں اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گا. تو وہ کلام ہدایت ہے کس کے لیے؟ کہ جو اس پر یقین کرے. یقین کی یہ مایا میرے دوستو دلوں میں ایسے ہی نہیں آتی, اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. گھنٹوں بیٹھ کر ان نیک انسانوں کی زندگیاں سننی پڑتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا پڑتا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے تک کا نبی مانا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں حضور علیہ السلام کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, گھر میں کیسے رہتے تھے, آپ نے شادیاں کیسے کی, آپ نے کاروبار کیسے کیا, کچھ پتا نہیں میرے دوست. دنیا کے انسانوں کی ہسٹوریا معلوم ہے ہمیں, کس نے کہا کتنا کودا تھا اور کتنا دوڑا تھا سب پتا ہے ہمیں.
یہ نہیں پتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے سن میں مکے سے مدینے گئے تھے، کتنا مکے میں رہے، کتنا مدینے رہے، دنیا کے انسانوں کی پوری ہسٹوریا معلوم ہے. وہ فلا سال میں وہاں اتنی مرتبہ کودا تھا، اور وہ فلا سال میں اتنی مرتبہ کودا تھا، اور وہاں وہ یوں، سب معلوم ہے. اور یہ ہماری سمجھداری کا معیار ہے، کہتے بہت ہوشیار ہے، اس کو تو بہت معلوم ہے اسلام کی معلومات. ہاں ایک محنت ہے میرے دوستو، تبلیغ کی محنت ثواب کی محنت نہیں ہے، زندگیوں کو سمجھنے کی محنت ہے. کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ میرے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے یا میری اپنی سمجھ کی زندگی ہے؟ میری سمجھ کی زندگی مجھے دنیا میں پریشان کر دے گی، آخرت میں پریشان کر دے گی، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی مجھے دنیا میں کامیاب کر دے گی اور آخرت میں کامیاب کر دے گی. اور یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آئینے کے سامنے نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا آدمی سزا ہو گئی اس کو، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کے. یہ کچھ اور بھی تھے اس کوٹھڑی میں جس میں یہ بند تھا، وہ بھی سب اسی لائن کے تھے، اس لیے کہ شریف آدمی تو جاتا نہیں ہے. تو وہاں اس نے کتابیں، ان لوگوں نے کتابیں تعلیم جاری کر دی، تو وہ تو آ کے سنتا نہیں تھا، لیکن وہ کوٹلی میں کہا جائے، آواز تو پہنچنے کا ہی پہنچنے کا ہے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بہت بے چین تھے. امہات المؤمنین میں سے جس کے گھر میں آپ تھے انہوں نے پوچھا، کالی بہت عائشہ ہی تھی، پوچھا حضور کیا بات ہے آپ رات بھر بہت بے چین رہے ہیں؟ تو فرمایا ایک کھجور گھر میں پڑی تھی، میں نے اس کو کھا لی ہے، ہو سکتا ہے کبھی صدقے کی ہوئی تو. ایک شخص، حالانکہ اللہ کی حفاظت میں وہ بھی نہیں ہونا، صدقے کی کھجور صدقہ آپ پر حرام تھا، سید پر حرام ہے صدقہ، کہ سید اتنے بڑے خاندان کا آدمی ہے کہ لوگوں کا میل نہیں کھاتا، وہ پیور مال کھاتا ہے. ہاں یہ نبی کی آل آواز ہے، بچا ہوا سب کا نہیں کھاتا وہ. اس سب پر جب یہ واقعہ پڑا گیا تو وہ بڑا آدمی بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو تعریف کرنے والا چھوکرا کہتا ہے، چاچا لگتا ہے لگ گئی تم کو. اسی لائن کی ہوتی ہے، ان کی بولی بھی ایسی ہوتی ہے. کہنے لگے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی زندگی تو یہ ہے کہ ایک کھجور شک ذرا سا اس میں ہوا، ساری رات بے چینی میں گزری. حالانکہ اگر وہ کبھی غلطی ہو بھی گئی ہو تو اللہ نے کہہ دیا ہے، نبی جی آپ کے تو اگلے پیچھے سب معافی ہے، لیکن ساری رات بے چینی میں گزری. اور ہمارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اوپر سے نیچے اور نیچے تک سارا کاروبار حرام کا ہے. کیا نسبت ہمارا اپنے نبی سے، کیا نسبت ہماری اپنے نبی سے؟ زبان کے بول اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں. اللہ کہتے ہیں نبی جی یہ وہ منافق جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور آپ کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ آ کر آپ سے یوں کہیں گے کہ سرکار ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے یہ کہنے والا جھوٹا آدمی ہے. دنیا کی سب سے سچی بات کہنے والے کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا آدمی ہے. یہ کیوں جھوٹا ہے؟ زبان سے جو کہتا ہے وہ دل میں نہیں ہے. سرکار نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کا انکار سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو نبی نہ مانے یا کیا انکار سے مطلب ہے؟ فرمایا جس نے میری مانی، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نہیں مانی اس نے گویا میرا انکار کیا. اس نے بولا میرا انکار کیا. جب اللہ کے راستے میں نکل کر
اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا میری زندگی نبی کے راستے پر ہے یا نبی کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. یہ موقع موت تک کا ہے, اس کے بعد موقع نہیں ہے. رب ارجعون, سستی میں زندگی گزارنے والے کو اللہ کہتے ہیں موت آئے گی. عدلی فرماتے ہیں ناس نیامن اذا ماتوا انتبہوا, لوگ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں, کوئی سونے میں اپنے آپ کو بہت کروڑپتی سمجھتا ہے, کوئی لکھ پتی سمجھتا ہے, کوئی کامیاب سمجھتا ہے, کوئی اپنے کو برباد سمجھتا ہے, کیونکہ یہ سب خواب ہے. کامیاب ہے کہ برباد ہے, جس دن موت کا وقت آئے تک پتا چلے گا کہ میں کامیاب ہوں یا برباد ہوں. ابھی تو نیند کی زندگی ہے, یہ سویا ہوا آدمی کبھی تو سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں. ایک آدمی نیند میں, وہ کھٹی ہوتے ہیں نا بانس کے بنے ہوئے بمبئی میں, تنگ زندگیاں, اتنی کھوڑی, اتنا بانس, اس سے زیادہ لمبا چوڑا کھٹیا بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور کہیں کہ بمبئی میں رہتے ہیں اور فورن میں رہتے ہیں, وہ تو یہ تو کہ بہت کھلا کیا رہتے ہیں لندن میں, پر جاؤ تو پتا چلے کیا حال ہے. تو سب ساتھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, وہ تھکا ہوا کے سو گیا تھا, اس نے اس سے زور سے لات ماری کہ اس کی جو عیس ہوتی ہے توڑ دی وہ کھٹیے کی, اس کی آنکھ کھل گئی. بھائی کیا ہوا؟ تو نیا نیا ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا, ایک بچہ سامنے آ گیا تھا گاڑی کے, تو نیند میں بھی کھٹیا توڑ دیا اس نے. تو بچہ نہیں آیا تھا, وہ تو خواب تھا. یہ سب خواب ہے. آٹلا بدا بنگلہ بنی گیا, آٹلا بدا پیسہ آئی گیا, مولوی صاحب آپ نے تو بہت مجان, ہزار نہیں زمین کروڑ نہیں بنی گئی, کروڑ نہیں بے کروڑ نہیں بنی گئی, سب خواب ہے میرے دوستو. کامیابی نہیں ہے, یہ سب خواب ہے. جب موت کا فریضہ پکڑے گا تو یا تو خوش ہوگا, کلمہ پڑھا دو, کلمہ میرا سن لو, اور پڑھ کے جائے گا کہ آخر زندگی اس کے پیچھے رت لگائی تھی, ورنہ تو کہے گا رب یہ جاؤ, اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دو, تھوڑا سا وقت. کیا کرو گے؟ مال جو کچھ ہے وہ تیرے نام پہ لگا دوں گا, اور جان بھی تیرے نام پہ لگا دوں گا. اللہ کہیں گے وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, موت سے پہلے پہلے کا وقت تھا. اور اللہ فرماتے ہیں جب تک ڈرانے والے کو ہم نہیں بھیجتے کسی کو ڈراپ نہیں دیتے. اللہ جاتے کہ نذیر, لوگ کہیں گے اللہ یہ جن کے پیچھے ہم چلے تھے انہوں نے تو ہاتھ جھاڑ دیے. قرآن کہتا ہے دنیا کے انسانوں کے پیچھے چلنے والے اپنے ان بڑوں سے کہیں گے ہم نے دنیا میں تمہاری مان کر چلے تھے, ذرا کچھ ہمارا ادب کم کراؤ. وہ کہیں گے تم نے ہماری کہاں مانی تھی, ہم نے کب تم کو کہا تھا کہ تم بے ایمانی کرو, اور ہم نے تم کو کب کہا تھا کہ تم چوری کرو گے, جھوٹ بولو گے, یہ کرو, ہم نے کب کہا تھا؟ کہا تم نے تو نہیں کہا تھا, بل مکر اللیل والنہار, تمہاری رات دن کی چالیں ایسی تھی کہ ہم سب کر بیٹھے تھے. کہنے کرو ہم بھی پریشانی میں, تم بھی پریشانی میں. تو ساری مصیبتوں کا بابا آدم ایک طرف کھڑا ہوگا, خبیص شیطان, وہ کہے گا ادھر تو کچھ کہیوت مت, لا تلومونی, لا تلومونی, لومو انفسکم, کیوں؟ صادق المصدوق, صادق المصدوق, کہ جس زبان پر حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی تھی. گلاب عمر کا واقعہ کہہ رہا تھا میں, انہوں نے وہ لکھا ہوا دفتر جلا دیا, تو حضور نے ایک دن دیکھا کہ عبداللہ لکھتے نہیں ہے, تو کہا کیوں لکھتے نہیں ہوں عبداللہ؟ کہا سرکار میں تو لکھتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی, تو میں نے ڈر گیا کہیں نبی علیہ السلام کے منشا کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے کہ آپ کا منشا لکھنے کا نہ ہو اور میں لکھ رہا ہوں, تو میں نے ڈر کے مارے دفتر جلا دیا. آپ نے فرمایا عبداللہ لکھو لکھو, اس اللہ کی قسم جس نے میرے کو حق بات لے کر بھیجا ہے, اس زبان پر حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی, حق کے سوا کوئی بات نہیں آتی. کہ وہ صادق المصدوق جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ وہ جو بولتے ہیں ہماری بات بولتے ہیں, وہ جو دیکھتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندگی بدلائی تھی, ایک زندگی بدلائی تھی. نماز یوں پڑھیو, روزہ یوں رکھیو, حج یوں کریو, کمائی ایسی کریو, شادیاں ایسی کرو, خوشی آوے تو یوں منائیو, غم آوے تو یوں منائیو, اس میں ناکامی ہے, حلال میں کامیابی ہے, زکات دیجو, صدقہ دیجو, سود سے بچیو. صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے
हम तुमको दावत दी थी, भलाई की लाइनें बतलाई थी और मैंने भी तुमको दावत दी थी, यहां जाओ। वो तो सूद हराम है, लोन थोड़ी हराम है, ये तो लोन है। और ये तो एक मजबूरी है, एक मजबूरी है। एक साथी आए हमारे पास, क्या मसा मुफ्ती साहब से मसला पूछना है। क्या क्या पूछना है? का हमारा जो कारोबार है ना, उसमें जो माल, लाखों का कारोबार, जो माल हम डिलीवरी देते हैं वो बैंक के थ्रू करना पड़ता है, उसमें हमें कुछ बैंक की रकम की जरूरत नहीं है, ना सूद लेना है तो देना है, लेकिन फॉर्मेलिटी है तो करना पड़ता है, उसके बगैर वो बिजनेस नहीं कर सकते हम। तो ये मजबूरी है तो क्या ये जायज है हमारे लिए, मुफ्ती साहब से पूछना है। मैंने कहा आपने सही सवाल पूछे मुफ्ती साहब से। कहने का वो क्या बोले साहब? मैंने कहा मुफ्ती साहब को ये लिखे कि मेरे पास गांव में 15 लाख का बंगला है, बॉम्बे में मेरे पास 10-20 लाख का फ्लैट है, मेरे कारोबार में से सालाना में 30-40 लाख रुपया कमाता हूं। तो अब क्या बैंक से सूदी एतबार से मैं कारोबार कर सकता हूं? तो वो कहने लगा तो मसला मुफ्ती साहब हराम कहे तो क्या मुफ्ती साहब को बेवकूफ बनाना, तेरे को मसला बदल के पूछना है? तो दिल कह देगा दिल इस तफ्ते कलबक, नबी जी कहते हैं पहले दिल से पूछना, दिल पहले फतवा दे देगा कि जायज है कि ना जायज है। तो दीन क्या है? जो बात नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे बतलाई उसको करने का नाम दीन है। इसमें किसी के नाराज होने से, किसी के राजी होने से, किसी के खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मसला पूछा मुफ्ती साहब से एक पार्टनरशिप के बारे में, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि वो ये शक्ल जायज नहीं है। तो हमने कहा मुफ्ती साहब सारे पार्टनर राजी है इस पर कि ये इतना हिस्सा ले रहे, सब पार्टनर खुश है, दिल से खुश है, ऐसा किसी पर जबरा भी नहीं है। तो मुफ्ती साहब कहने लगे मौले साहब जीना में जो है दोनों राजी होते हैं तो जायज थोड़ा है वो। चुपच कर दिया हमको, आखिर तक बोलने की गुंजाइश ही नहीं रखती, रजामंदी से क्या होता है किसी की? अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को कामिल मुकम्मल दीन देकर भेजा और अल्लाह ने कह दिया कि यही नमूना हमारे यहां कबूल है। इस नमूने पर छोटा सा दुनिया जिसको समझती है अमल, वो छोटा सा अमल जमीन और आसमान पर अल्लाह के यहां भारी है। कि उस नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे खड़े हैं, एक कश्ती वहां से गुजरी, एक आदमी को छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हवा का रुख था किनारे की तरफ, उसकी आवाज इमाम अबू दाऊद तक पहुंची। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले का ईमान वाले पर हक बतलाया है कि तुम्हारा भाई अगर छींके तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, उसके जवाब में अरहमकल्ला कहो। अरे इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये अरहमकल्ला कहना मेरे जिम्मे है, वो तो कश्ती से जा रही है, मैं क्या करूं। एक कश्ती वाला आ रहा था, उससे कहा भाई वो कश्ती तक जाना है कितना लेगा? उसने कहा 2 दिरहम लूंगा। कब बैठ जल्दी चला कश्ती, कश्ती में बैठे, वहां कश्ती उस कश्ती के पास पहुंची तो उसको कहा यरहमकल्ला और वापस आ गए। रात को सोए तो कोई ख्वाब में कह रहा है अबू दाऊद 2 रुपये में जन्नत खरीद ली तुमने, 2 दिरहम ने खरीद ली। क्या अमल था? यह नबी अलैहिस्सलाम का अमल था। वो इतना भारी था कि 2 दिरहम में जन्नत, हमने समझाई नहीं मेरे दोस्त, उसका यकीन ही हमारे दिलों में नहीं। फूला पलट पर इतने से इतना लगाओगे तो इतना मिलेगा, उसका यकीन इतना है कि रहने का मकान में आदमी बेच देगा, बीवी अपने जेवर बेच देगी। तो साहब इसको लगाओ जन्नत मिलेगी, तो ठीक है मौलवी साहब जरा आगे बढ़ जाओ थोड़े। सरकार ने फरमाया औरतों का मजमा है, आपने फरमाया मैं महराज की रात जन्नत में भी गया, जहन्नम भी देखने गया, अल्लाह ने मुझे जब भेजा तो मैंने जहन्नम में देखा कि इसमें ज्यादा औरतें जा रही है, और जहन्नम की आग से बचो सदका देकर। अच्छा, ज्यादा औरतें जहन्नम में जाती है, सदका का बात आई, हर औरत ने उसके बदन पर जो जेवरात थे वो निकालना शुरू किए। हजरत बिलाल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे, जैसे जुमा के दिन वो कपड़े को
रूमाल की झोली बनाते हैं ऐसा रूमाल था उसकी झोली बनाकर पकड़ ली। हर औरत ने जो कुछ उसके बदन पर जेवर था वो सब उसमें डाल दिया कि अल्लाह के नबी ने बतलाया है जहन्नम से बचने के लिए अगर हमारा जेवर काम आता है सस्ता सौदा है वो जहन्नम है। वो जन्नत है कि अल्लाह के नबी सलाम उतरती है। अगर कामिल दर्जा नेकी का चाहिए तो जो चीज दिल को पसंद है अल्लाह के नाम पे लगा दो, जो चीज पसंद है वो अल्लाह के नाम पे लगा दो। अब उधाटा बैठे हुए हैं कहने लगे सरकार मेरा एक बहुत बड़ा बाग है उसके बीच में मेरा मकान है वो या बिजनेस भी वही है बंगला भी वही है मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह के नाम पर सदका है सरकार ने कबूल कर लिया वापस आए बाग के बाहर खड़े होकर फरमाया अपनी बीवी को आवाज दी ए उम्मत दादा। बीवी ने पूछा क्या बात है क्या बच्चों को लेकर निकल आओ तो उम्मत दादा ने पूछा क्यों कहा ये सब बाग ने मकान अल्लाह के नाम पर दे दिया है तो जितनी जन्नत का यकीन अबू दहदा को था उतना भी उम्मत दहदा को भी था। तो वहीं से कहने लगी अल्लाह बरकत दे हम करके आओ तो बीवी कहे तुम भी वहीं रही हो जहां मत आई जहां देकर आयो वहीं रही हो क्यों न मेरे पास यकीन है न भी मेरी बीवी के पास यकीन है। और अगर बीवी को यूकर क्या के आओ ये अपनी प्रॉपर्टी है मैंने सब बेच दी है अपना मकान भी बेच दिया है अब बीवी कहे क्यों इससे 10 गुना ज्यादा कमाई 2 महीने में मिलने वाली है। बीवी कहेगा तुम्हें तो बहुत होशियार मानस वाह बहुत होशियार मानस क्यों दुनिया का यकीन मेरे दिल में भी फंसा हुआ है उसके दिल में भी फंसा हुआ है इसलिए अल्लाह के नाम पर न बीवी साथ दे रही है न मां साथ दे रही है और दुनिया के नाम पर बीवी भी तैयार मां भी तैयार। और कसूर किसका है मेरा और आपका है। घर से मार्केट से बीवी के लिए कपड़ा मेल आया बीवी के लिए बर्तन मेल आया बीवी के लिए जेवर मेल आया बीवी के लिए खाने पीने की चीजें मेल आया उस बीवी के लिए नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका मस्जिद से नहीं लाया जो मेरे पर फर्ज है मैं अपनी बीवी को दीन सिखाऊं अपने बच्चों को सिखाऊं उस बच्चे को मैंने अपने बच्चे को दुनिया के इंसानों के पास नौकरी करने वाला इल्म तो सिखाया इसको पढ़ लोगे तो दुनिया में तरक्की करोगे क्या तरक्की करोगे दुनिया के इंसानों की गुलामी करोगे नौकरी मन से हारी अपने को नौकर बनाने के लिए 20 साल पढ़ाया तो नौकर बनना 20 साल पड़ गए अपने बच्चों को अल्लाह का खजाना नहीं समझाया कि बेटे अल्लाह का बंदा बन जाना सब कुछ मिलेगा दुनिया का गुलाम हमने बनाया अपनी औलाद को अल्लाह का गुलाम नहीं बनाया। सहाबा फरमाते थे हम तुम्हारे पास आए हैं ओ दुनिया के लोगों मुल्कों वालों पूछा हमारे खाने के लिए आए हो हमारा महल वाल देखकर आए हो फरमा हम इसके लिए नहीं आए हम तो अल्लाह के नबी के रसूल अल्लाह के रसूल के रसूल है अल्लाह ने हमको भेजा है हमारे नबी ने हमको कहा था बल्ले को आने वाला आया एक आयत भी मेरी तुम्हारे पास आए तो दूसरी तक पहुंचा देना हमारे नबी ने हमें कहा है हम तुम्हारे पास आए हैं ताकि दुनिया की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी करना सिखाए कि दुनिया की गुलामी सिगरेट के सिवा कुछ नहीं है तुम्हें अल्लाह की गुलामी सिखाए। और दुनिया की जिंदगी तंग है इस तंग जिंदगी में कुशादगी वाली जिंदगी तुमको समझा है कि इसमें दीन आएगा जो ये दुनिया इतनी बाबरकत बनेगी और इसमें इतनी कुशादगी आएगी कि आदमी दुनिया में चैन सुकून और राहत से जिएगा वरना दुनिया इतनी तंग होगी कि 10 जवान बेटों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है अपने बूढ़े मां बाप को पाल सके जिंदगी तंग है इतनी। गुलामी से निकले आदमी जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे मेरे दोस्तों इन जिंदगियों को पढ़ेंगे सहाबा क्या थे कैसे जिंदगी गुजारी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन कैसे सीखा
कैसे दीन पर चले। उन्होंने जब कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए दी तो अल्लाह ने दुनिया में कैसे कामयाब किया, आखिरत में कैसे कामयाब किया। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसकी दावत देंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे तो अंदर में ईमान की रमक पैदा होगी कि जिस चीज के फजाइल को और जिस चीज के नफे नुकसान को आदमी सुनता है उसको हासिल करने का और उससे बचने का शौक पैदा होता है। अल्लाह ने इंसान की तबीयत ऐसी बनाई है कि नफे की बात आए तो उसको लेने के चक्कर में होता है और नुकसान की बात सामने आए तो उससे बचने की फिक्र में रहता है। जब आखिर का नफा नुकसान सामने आएगा, जब आखिर का नफा नुकसान सामने आएगा तो आदमी इस नुकसान से बचेगा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक हराम कारोबार करने वाला, लेकिन जेल की चार दीवारी में जब उसके सामने नबी की सीरत आई तो उस दिन से तौबा कर ली, भूखे मर जाएंगे लेकिन अब इस नापाक कारोबार को हाथ नहीं लगाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत कामयाबी के लिए जामिन है और कोई रास्ता दुनिया में नहीं। मेरे दोस्तों, ये सारी मेहनत इस बात की है अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम ईमान को सीखे, इन वाकयात को पढ़े ताकि हम भी सहाबा की तरह नबी के पीछे चले ताकि दुनिया में कामयाब बन जाए और आखिरत में कामयाब बन जाए। ये रास्ता दूसरा कोई नहीं है मेरे दोस्तों। जब अपनी दुनिया से निकलेंगे, चार चार महीने के अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, हजरत मौलाना साहब फरमाते थे अल्लाह के रास्ते में निकलो मस्जिद के माहौल में नई दुनिया बनाओ, कि सुबह से लेकर शाम तक सिवाय इसके कोई बोल नहीं होगा, अल्लाह करते हैं और कामयाबी का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसके सिवाय कोई बोल नहीं होगा। उसी को सोचेंगे, उसी को बोलेंगे, तालीम के हल्कों में बैठकर उसी को सुनेंगे और रात को उठकर अल्लाह से उसी को मांगेंगे। जब ये दुनिया हमारी ऐसी बनेगी मेरे दोस्तों, चिल्ला चार में जब उसमें गुजारेंगे और जब इस ऐसा माहौल में रहेंगे तो ईमान का कोई बीज दिल में पड़ेगा। फिर जितना आदमी नेक अमल करेगा और जितना आदमी मेहनत में कुर्बानी में बढ़ता जाएगा उतना वो ईमान का बीज बढ़ता जाएगा और जितना ईमान दिलों में आएगा उतना ही दीन पर चलना इंसान के लिए आसान हो जाएगा, बल्कि दीन पर चलने में इंसान को मजा आएगा। इसके लिए मेरे दोस्तों इस मुबारक मेहनत में हर आदमी से वक्त मांगा जाता है कि साहब निकले बगैर बात समझ में नहीं आएगी, निकले बगैर बात समझ में नहीं आएगी, घर पर रहकर समझना चाहेगा समझ में नहीं आएगी। हर चीज के समझने का एक रास्ता होता है। घर पर बैठकर अगर किताबें पढ़कर डॉक्टरी आती तो इतने बड़े बड़े कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं थी। ये कॉलेज में वही किताब पढ़ाई जाती है, कोई नई किताबें नहीं होती, जो बाजार में बिकती है वही पढ़ाई जाती है। लेकिन घर पर बैठकर किताब पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता, किताब पढ़कर इंजीनियर नहीं बन सकता, किताब पढ़कर मैकेनिक नहीं बन सकता। उसके माहौल में जाना होगा, मैकेनिक बनने के लिए काले कपड़े पहनने होंगे, पानी हाथ में लेकर उल्टे सुलटे नटबोल्ट खोलने होंगे, तब जाकर आदमी मैकेनिक बनेगा। उस बिल्डिंग में जाकर उसके माहौल के मुताबिक रहना होगा, जो उस्ताद जैसे पढ़ाए ऐसे सुनना होगा, जिस तरह पढ़ाए ऐसे सुनना होगा, तब जाकर इंजीनियर बनेगा, तब जाकर डॉक्टर बनेगा आदमी। घर पर बैठकर ईमान नहीं बनता, अगर ईमान बना होता हम सबके सब पक्के मोमिन होते। उस मेहमान को सीखने के लिए वो माहौल चाहिए, उस माहौल में रहना होगा, वो बात बोलनी होगी, तब ईमान का बीज दिलों में पड़ेगा। और चार महीने चिल्ला लगाकर अगर कोई ईमान का बीज पड़ जाता है दिल में, मेरे दोस्तों उससे ज्यादा सस्ता कोई सौदा नहीं है। इसके लिए हर आदमी से कहा जाता है, माशाल्लाह मतलब बहुत ध्यान से बैठकर बातें सुन रहा है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अब आखिरी गुजारिश है कि आप माशाल्लाह तस्वीर के वक्त में कोई साथी उठे नहीं, कोई साथी हमारा उठता है उसको प्यार मोहब्बत से अपनी जगह बिठा दो। लोग अल्लाह के नाम पर निकलने के लिए नाम लिखाएंगे, खड़े होंगे, आपके बैठने पर इस नियत से बैठो कि हम बैठेंगे तो लोगों को शौक पैदा होगा तो जाने वालों के सवाब में